नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, जानी मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। विभाग के अनुसार 12 से 24 मार्च तक लगातार मैदानी व मध्य पर्वतीय कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। कई स्थानों पर अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज भी मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। शिमला में भी धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। पूरे प्रदेश में 25 मार्च से मौसम साफ रहने के आसार हैं। दुष्कर्म के बाद 16 साल की नाबालिग गर्भवती, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 16 साल की नाबालिग के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी 3 महीने से नाबालिग का यौन शोषण कर रहे थे। दोनों ने पीड़िता को इस संबंध में किसी और को नहीं बताने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने जब सारी बात अपनी मां को बताई तो पुलिस में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद अब पुलिस ने मामले की आगामी छानबीन शुरू कर दी है। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्र ने कहा कि नाबालिग का मेडिकल करवा आगामी जांच शुरू कर दी गई है। जगत सुखी नागरी नाला में भूस्खलन से 2.5 मंजिला मकान, जमींदोज गाय सहित 18 कुत्ते भी मलबे में दबे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल मनाली के जगत सुख में भूस्खलन से 2.5 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। आधी रात को हुए भूस्खलन में एक गाय सहित 18 कुत्ते मलबे में दब गए। घर के अंदर रह रहे पति व पत्नी सुरक्षित है। मलबे को हटाया जा रहा है। 6 कुत्तों को जीवित निकाला गया। बचाव अभियान जारी है। नवदीप सिंह पुत्र सतगुरु सिंह निवासी गांव हरिपुर मनाली ने बताया कि वह शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी पुत्री गायत्री ने जगसुख के नागरी नाले में योगेश का 2.5 मंजिला मकान किराए पर लिया है। गायत्री यहां एनजीओ चलाकर जानवरों का रेस्क्यू सेंटर चलाती है। नवदीप ने बताया कि वह अपनी पत्नी व बेटी के साथ जगसुख में रहते हैं। कांग्रेस के भाग्यों को गले लगाए तो अपनों की नाराजगी झेलेगी भाजपा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अयोग्य ठहराए गए 6 विधायकों का समायोजन भाजपा के लिए आसान नहीं रहेगा। कांग्रेस के इन भाग्यों के दम पर राज्यसभा चुनाव में परचम लहराने वाली भाजपा ने उन्हें साथ होने का हौसला तो बंधाया और केंद्रीय सुरक्षा भी मुहैया करवाई, लेकिन भाग्यों को पार्टी टिकट की भी उम्मीद है। उधर इन अयोग्य विधायकों की सीटों पर भाजपा के पुराने भरोसेमंद चेहरे भी टिकट की आस में हैं। साफ है कि कांग्रेस के इन भाग्यों को गले लगाया तो भाजपा को अपनों की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। उनागे कोटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर की कर्म भूमि है। कंवर यहां से लगातार 4 बार विधायक बने हैं। कांग्रेस से बागी हुए विधायक देवेंद्र भुट्टो कभी उनके साथी हुआ करते थे, बाद में दोनों की राह अलग अलग हो गई। महंगाई की मार, हिमाचल में रिफाइंड दालों और आटे के दाम में बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद महंगाई से राहत का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है। शिमला में रिफाइंड और आटे समेत दालों की कीमतों में उछाल आया है। अनाज मंडी के कारोबारियों का कहना है कि दूसरे राज्यों से आ रही राशन की आपूर्ति महंगे दाम पर हो रही है। राजधानी में आटा अब 1 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो गया है। अनाज मंडी में 35 किलो आटे का बैग 2 हफ्ते पहले 1,060 रुपए रिटेल दामों पर मिल रहा था, अब इसके दाम 1,100 रुपए पहुंच गए हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कम किया 30% सिलेबस अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के सिलेबस में 30% कटौती की है। बोर्ड ने जारी पुरानी पुस्तकों में सिलेबस हटाने को शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान बोर्ड ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम से जहां कई अध्याय को पूरी तरह से काटा दिया है, वहीं कई ऐसे भी अध्याय हैं जिनमें पृष्ठ संख्या को न पढ़ाने के निर्देश स्कूल प्रबंधकों को दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नई पुस्तकें प्रिंट करवाई है। 7 पैनोरमिक विस्टा डोम कोच तैयार, जल्द पहुंचेंगे कालका। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जल्द ही पैनोरमिक विस्टा डोम कोच दौड़ते दिखाई देंगे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की ओर से आधुनिक कोच तैयार कर दिए गए हैं। पहले चरण में 7 कोच आरसीएफ ने निर्मित किए हैं। जल्द ही ये कोच कपूरथला से कालका रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। इसके लिए इन दिनों कवायद चली हुई है। कालका में स्टेशन निर्माण से कोच ट्रेन भेजने में दिक्कत आ रही है। अब सड़क से कोच भेजने की तैयारी की जा रही है। कालका रेलवे स्टेशन पर सभी कोच पहुंचने के बाद फिर से ट्रायल शुरू हो गए हैं।
ट्रायल के सफल होने के बाद यात्रियों को सुविधा दी जाएगी। रेल कोच फैक्ट्री की ओर से एसी और नॉन एसी बोगियों तैयार की गई है, इसमें रेस्टों की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही इसमें कई अन्य नई सुविधाओं को भी जोड़ा गया है। यात्रियों की सुरक्षा को भी बागी में बढ़ाया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से बीते वर्ष पैनोरमिक विस्टा डोम के 2 कोच का ट्रायल किया था। इस कोच को पहले खाली तोड़ा था, इसके बाद चेयर लगाकर चलाया था।